हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1947। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपने सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो बीए सेकंड ईयर में जो है वो पढ़े हुए हैं। जो आपका सेकंड वाला पार्ट था 1707 टू 1947 तक का, 1950 तक का। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए इसमें। होपफुली आपने तैयारी कर भी ली होगी। तो चार यूनिट है इसमें भी कुल मिलाकर। पहला वाला जो टॉपिक है हिस्टोरियोग्राफी एंड द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जैसे आपने पिछले सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी का टॉपिक पढ़ा था, उसी तरह का है ये कि कौन कौन से सोर्सेज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है इकोनॉमिक हिस्ट्री को जानने के लिए मॉडर्न इंडिया की, है ना। उस वक्त की जो बुक्स है, किसने आर्टिकल लिखी है, बुक्स लिखी है, ब्रिटिशर्स ने क्या लिखा है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। जैसे आर सी दत्त थे हमारे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया उन्होंने लिखा। रजनी पाम दत्त है, उन्होंने लिखा। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, उनकी क्या अप्रोच थी, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस वक्त की ब्रिटिश पीरियड की, उसके बारे में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो सेकंड जो है इसी से जुड़ा हुआ आपका सेकंड सेकंड और थर्ड जो टॉपिक है वो लगभग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करता है। अब यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है नेचर ऑफ प्री कैपिटलिस्ट एग्रियन इकोनॉमी, विलेज कम्युनिटी, पेजेंट्री, आर्टिशियंस एंड टैक्सीशियंस। ये बात कर रहा है कि जो ब्रिटिश पीरियड जब शुरू हुआ उससे पहले भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो इजी टॉपिक है, इसमें पॉइंट्स आपके बन जाएंगे कि भारत में जो है वो कृषि प्रधान देश था, है ना, किस तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर लोग डिपेंडेंट थे और सेल्फ सफिशियंट आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हमारी रहती थी, है ना। और किसान जो थे उनकी दशा काफ़ी अच्छी थी, और गांव में जो छोटे मोटे जो आर्टिशंस थे जो काम धंधे करते थे, और जो कुटीर उद्योग थे वो काफ़ी अच्छी अवस्था में थे, है ना। तो ये प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो दो टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए, और तीसरा फिर इसी से जुड़ा कि स्टेज ऑफ द कॉलोनियल, है ना, कॉलोनिज्म्स एंड द कॉलोनियल स्टेट्स। अब जब 1757 के बाद प्लासी को कंकर्ड किया गया, उसके बाद अलग अलग स्टेज शुरू होते हैं। पहला जो काल था हमारा उसको रजनी पाम दत्त ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला काल उसको बोलते हैं आपका वाणिज्यिक काल, है ना। दूसरा है औद्योगिक मुक्त व्यापार, और तीसरा जो फेज है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, है ना, वाणिज्यिक काल। तो इस तरह से जो है अलग अलग फेज जो है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट का दौर जो है वो शुरू हुआ। तो दो टॉपिक आप पहले तैयार कर लीजिए, तीसरे को अगर आपने छोड़ना है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब दूसरे यूनिट पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे आता है कि इसी से जुड़ा हुआ है, इसकी बैकग्राउंड में जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो सेकंड वाला टॉपिक आपका यहाँ पे फोर्थ टॉपिक में बैकग्राउंड में आ जाएगा कि हमारी जो एग्रियन, है ना, ब्रिटिश एग्रियन पॉलिसी एंड लैंड राइट। तो इसमें बैकग्राउंड में आ जाएगा कि प्री कैपिटलिस्ट एग्रियन इकोनॉमी हमारी कैसी थी। यहाँ पे बैकग्राउंड में दो पेज आ गए आपके। फिर आपने शुरू करना, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो है लैंड राइट, जो हमारा लैंड सिस्टम था, जो एग्रियन सिस्टम था, उसमें क्या क्या चेंजेस किए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसको क्यों शुरू किया गया, इसके लाभ क्या थे, इसकी हानियां क्या थी। अगर ये बड़ा क्वेश्चंस नहीं आता है, अगर पूरा का पूरा एग्रियन सिस्टम आपका आ जाता है तो उसमें परमानेंट सेटलमेंट भी डिस्कस होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी डिस्कस होगी, और महलवाड़ी व्यवस्था। इन तीन पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और अगर पर्टिकुलर आया तो परमानेंट सेटलमेंट आपका, स्थायी बंदोबस्त, इसके लाभ और इसकी हानियां आपको आ सकती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ये आपका लास्ट जो क्वेश्चन है उसको, उसके लिए तैयार कर लीजिए जरूर, उसमें भी आपको ये आ जाएगा। फिर फिफ्थ टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमर्शलाइजेशन एंड कैपिटल इन एग्रीकल्चर। अब है कृषि का वाणिज्यकरण क्या था, है ना। वाणिज्यकरण मतलब ब्रिटिशर्स ने जो हमारे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उसको ब्रेक किया गया, उसके स्थान पर क्या इंप्लीमेंट किया गया, कृषि का वाणिज्यकरण किया गया। मतलब जो उनके फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था, जैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इंग्लैंड में तो वहां पे क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल के रूप में कपास चाहिए था, कॉटन चाहिए था। तो इंडिया में जो है अब लोगों को बोला गया कि आप जो है मक्की और गेहूं के स्थान पर क्या उगाइए, कॉटन उगाइए, नील, कपड़ा रंगने के लिए नील चाहिए था, है ना।
तो नील उगाने के लिए फोर्स किया गया, जूट उगाने के लिए बोला गया, तो इसको बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो किसके आधार पर होगा, मार्केट के आधार पर होगा, जो कि फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटिशर्स को चीज़ें चाहिए, चाय की खेती शुरू की गई है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी। कमर्शलाइजेशन वाणिज्यकरण जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो दो टॉपिक तैयार कर लीजिए। तीसरा थोड़ा सा इनडेप्थनेस जो इनडेप्थनेस इन कॉलोनियल इंडिया नेशनलिस्ट एटीट्यूड एंड ब्रिटिश पॉलिसीज, ये थोड़ा सा टफ है, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दो टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरा काफ़ी इजी है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ एंड शिपिंग है ना। जो हमारे भारत में जो है वो आएगा आपको कि यातायात के साधनों का और संचार के साधनों का विकास क्यों किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसके पीछे क्या कारण थे, इसका इंडिया को फायदा क्या हुआ, इसके लाभ क्या थे, इसके हानियां क्या थी, है ना। तो रेलवे की शुरुआत 1853 लॉर्ड डलहौजी, जब जो हमारा पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, जो इंग्लैंड से सामान बन के आ रहा था उसको दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाना था बेचने के लिए, और दूर दराज के जो गाँव थे, जो क्षेत्र थे, वहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में जो है जो शिप जो पोर्ट थे जहाँ से शिप जाते थे बाहर विदेशों के लिए, वहाँ तक माल को पहुँचाना होता था। तो उसके लिए क्या शुरुआत किया गया, अब ये दूसरे है ना घोड़े या खच्चरों पे नहीं आ सकता था सामान, तो उसके लिए रेलवे की शुरुआत की गई है ना। तो रेलवे का विकास अलग अलग फेज में होता है ना, उसके अलग अलग चरण रहते हैं, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। तो उसमें क्या किया गया, जो ब्रिटिशर्स थे बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उनको इन्वाइट किया गया इंडिया में कि हम आपको ज़मीन प्रोवाइड करवाते हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, और रेलवे का विकास जो यहाँ पे शुरू होता है 1853 से लेकर ऑनवर्ड्स है ना। तो मेन जो जहाँ पे जो माइंस थे वहाँ तक रेल पहुँचाई गई, जहाँ से रॉ मटेरियल आता था वहाँ तक रेल पहुँचाई गई, और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट जो टूरिस्ट प्लेस थे जैसे शिमला था या नैनीताल था, यहाँ पे भी जो है, या दूसरे जो दार्जिलिंग था, यहाँ पे भी रेल जो है वो ब्रिटिश के द्वारा पहुँचाई गई। सिमिलरली पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम और शिपिंग जो सिस्टम था उसको भी यहाँ पे डेवलप किया गया। तो इसके लाभ क्या थे, इसके हानियाँ क्या थी, है ना। तो ये आपको आ सकता कि यातायात और संचार के साधनों का जो है वो भारत में किस तरह से विकास हुआ और इसके क्या फायदे हुए। दूसरा इसको अगर आपने छोड़ना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कोल, आयरन, स्टील एंड कॉटन है ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मॉडर्न इंडस्ट्री, जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके इन्फ्लुएंस से जो हमारी जो कोयला उद्योग था, आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1907 में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई 1875 में। तो ये इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, अगर इसको आप छोड़ना चाहें तो इंडस्ट्रियल लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ना। दो टॉपिक आप या तो आपको ईजी लगता है एट्थ या नाइन्थ, दो में से आप पहला तो कर ही लीजिए, ईजी है, एट और नाइन्थ में से जो आपको ईजी लगता है वो आप कर सकते हैं, है ना। तो ये आधुनिक उद्योगों का विकास किस तरह से हुआ, ये भी इजी है, और इंडस्ट्रियल लेबर, जब आपकी ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई इंडिया में तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेबर मूवमेंट शुरू हुआ और ट्रेड यूनियन जो है वो रजिस्टर होना शुरू हुई, अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप थे वो यहाँ पे डेवलप हुए, है ना। तो सेवन, एट्थ या नाइन्थ में से आप आई थिंक एट्थ कर लीजिए, ये थोड़ा ईजी है। फोर्थ टॉपिक है एक्सटर्नल ट्रेड एंड प्राइस मूवमेंट, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अब जब ये सारे के सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ पे हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसका डेवलप होना ज़रूरी है ना। तो प्राइस मूवमेंट यहाँ पे चलता है, तो इसको आप करना चाहे जो बैंकिंग सिस्टम है, आधुनिक बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत किस तरह से हुई, जैसे इंपीरियल बैंक पहले बना, फिर अलग अलग बैंक जो है वो यहाँ पे शुरू हुए, प्राचीन काल में हमारा बैंकिंग सिस्टम किस तरह का था, उस पर आप जा सकते हैं, है ना। तो फोर्थ यूनिट, इसमें से एक टॉपिक आपका रहेगा 10 नंबर का ज़रूर, तो इसको अगर आप देखना चाहे तो बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे देख लीजिए। इलेवंथ, इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म्स एंड राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिस्ट, है ना। जो हमारे इकोनॉमिक नेशनलिस्ट थे, जैसे जो बिपिन चंद्रा, उनकी एक बुक है इकोनॉमिक, है ना, वो आर्थिक आधार पर जो नेशनलिज्म का जो कारण है, राष्ट्रवाद का जो कारण है, वो हमारा आर्थिक जो नीतियाँ थी, जो शोषण हो रहा था उसको वो कारण मानती है, और उसके ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी बुक लिखी है, है ना। तो जो हमारे जो इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे, दादा भाई नौरोजी जैसे, है ना, वो भी इस्टिमेट करते कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी उन्होंने दी, तो ये सारे के सारे राइटर्स आ जाएंगे इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द, है ना, कॉलोनियल पीरियड जो था उसके, एंड राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिस्ट, जो हमारे आर्थिक राष्ट्रवाद था उसका उदय
किस तरह से हुआ, है ना। तो हमारे जो ये जैसे विपिन चंद्र, इन्होंने देखा कि जो आर्थिक नीतियां थी उसके कारण जो राष्ट्रवाद आया इंडिया में, है ना, किस तरह से शोषण किया गया। तो इसको आप देख सकते हैं, 11th जो टॉपिक है, ब्रिटिश वर्सेस इंडियन व्यू ऑफ डेवलपमेंट, भारत में अंग्रेजों का और इंडियंस का क्या व्यू था विकास को लेके, है ना। तो ये थोड़ा सा टफ है, आप बैंकिंग सिस्टम कर लीजिए, प्राइस मूवमेंट किस तरह से शुरू हुआ, और एक्सटर्नल ट्रेड जो भारतीय जो व्यापार था विदेशों में, जो हमारा व्यापार होता था, तो ऑनवर्ड आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसका विकास किस तरह से हुआ। 10वां टॉपिक आप जो है वो अच्छे से कर लीजिए, और 11th का आप देख लीजिए कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिस्ट, है ना। इसमें आ सकता है कि भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास किस तरह से हुआ, ये वाला क्वेश्चन से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर यूनिट 1 से फर्स्ट एंड सेकंड, इन सेकंड से चौथा और पांचवा, थर्ड से सेवंथ और एट्थ अच्छे से कर लीजिए, सेवंथ अच्छे से कर लीजिए, यहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। एट्थ में से शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोल, आयरन एंड स्टील, या लेबर यूनियन मूवमेंट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। और लास्ट में जो है उसको आप बैंकिंग सिस्टम और ट्रेड, भारत का जो विदेशी व्यापार था और इकोनॉमिक नेशनलिस्ट जो है, इसके ऊपर आप जो है वो बात कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी, और जब आपका पेपर हो जाए तो आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।